सुष्मिता सेन की एक्स भाभी ने नए घर में की शिफ्टिंग। महीनों से घर पाने के लिए दर दर भटक रही थी चारू असोपा। सिंगल मदर होने की वजह से एक्ट्रेस को नहीं मिल रहा था आशियाना। नए घर में शिफ्ट करते वक्त चारू का छलक उठा दर्द। जी हाँ, लाख मुश्किलों और कई महीनों के स्ट्रगल के बाद टीवी की फेमस एक्ट्रेस चारू असोपा को मिल गया है फाइनली नया आशियाना, जिसे पाकर एक्ट्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। भाई तभी तो चारू असोपा ने खुशखबरी सबसे पहले अपने फैंस के साथ शेयर की है और अपने नए घर में शिफ्ट होने का व्लॉग भी शेयर किया है, जिसमें चारू बेटी जियाना संग शिफ्टिंग करती हैं और फिर वेलकम केक काटकर खूब मस्ती करती हुई भी नजर आ रही हैं। दरअसल सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से तलाक लेने के बाद चारू अपनी बेटी जियाना के साथ अकेली रहती है। चारू लंबे समय से अपने सेट के आसपास एक घर की तलाश में थी, लेकिन उन्हें सिंगल मदर होने की वजह से कोई आशियाना नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फाइनली उन्होंने नए रेंटेड घर में शिफ्ट कर लिया है, जिसका व्लॉग उन्होंने यूट्यूब पर शेयर करके फैंस को न्यू अपडेट दिया है। इस व्लॉग में चारू पहले अपने पुराने घर से बेटी संग निकलते हुए दिखाई दे रही हैं और उसके बाद वो अपने न्यू घर में सामान लेकर पहुंचती है। इस बीच चारू बेटी जियाना के संग खूब मस्ती और एंजॉय करती हुई भी दिखाई देती है। तो वहीं इस व्लॉग में चारू और उनकी बेटी न्यू घर की खुशी में केक काटती हुई भी नजर आती है। इसी के साथ एक्ट्रेस ने इस व्लॉग में उन सभी लोगों को थैंक यू भी किया है जिन्होंने इस घर को ढूंढने में उनकी मदद की है। अपने प्रोडक्शन हाउस से लेकर ब्रोकर और घर के मालिक तक को चारू असोपा ने थैंक यू बोला है। आपको बता दें कि इससे पहले एक व्लॉग में सुष्मिता सेन की एक्स भाभी का घर न मिलने को लेकर दर्द छलका था। सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से तलाक लेने के बाद टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सिंगल मदर होने की वजह से एक्ट्रेस को मुंबई में कहीं घर नहीं मिल रहा था, जिस पर अब उन्होंने खुलकर बात की थी। उन्होंने अपने व्लॉग में अपना दर्द बयां करते हुए बताया था कि मुंबई में लोगों का ऐसा बर्ताव देखकर उन्हें लगता है कि सिंगल मदर होना किसी गुनाह से कम नहीं है। दरअसल चारू असोपा अपनी बेटी जियाना के साथ रहने के लिए एक नया घर तलाश रही थी। उसी के दौरान एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया था, मैंने शूटिंग के बीच से एक घंटे का ब्रेक लिया और अपने नए घर की सोसाइटी मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंची थी। घर को लेकर सब कुछ फाइनल हो चुका था, यहाँ तक कि टोकन मनी भी दे चुकी थी। जब मीटिंग में पहुंची तो वहाँ एक महिला ने मुझसे पूछा कि कितने लोग रहने वाले हो। मैंने बताया कि मैं और मेरी बेटी के अलावा दो हाउस हेल्प भी रहेंगे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम सिंगल मदर्स को घर नहीं देते हैं। मैंने उनसे कारण जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान देना भी जायज नहीं समझा। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती रही और वो सिर्फ रूखा बर्ताव दिखाती रही। बता दें कि चारू असोपा ने साल 2019 में सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से शादी की थी, तो वही शादी के दो साल बाद 2021 में एक्ट्रेस ने बेटी जियाना को जन्म दिया था, लेकिन इस कपल का रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया था और शादी के चार साल बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया था, जिसके बाद चारू को बेटी की कस्टडी मिली और अब वो जियाना के साथ अकेली ही रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।